हेलो एवरीवन, क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने रूल नंबर 3 बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर इस प्रकार के कुछ 6-7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है बेटा, अब हम लोग जो है इसमें नेक्स्ट टाइम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये भी आप लोगों के एक्सरसाइज 3.2 पर ही बेस्ड होंगे। 1 से लेकर 5 क्वेश्चन 3.2 के आप इस आधार पर कर सकते हैं, और 6 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन होंगे वो आप इस वाली वीडियो के आधार पर करेंगे। ठीक है, देखिएगा इस समय हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा ये क्वाड्रेंट के बारे में आपसे जानकारी हो गई होगी। जैसा कि हमने आपको बताया था, ये हमारा होता है एक कार्टेशियन प्लेन। ठीक है बेटा, और ये होते हैं आपके 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इस वाले को हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इस वाले को थर्ड, और ये जो लास्ट वाला होता है ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, आपसे छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप सपोज करिए आपके पास ये एक एंगल बना हुआ है, ये वाला, ठीक है, क्या लग रहा है आपको, कितने डिग्री का एंगल लग रहा है? मोटे तौर पर अगर हम देखें, ये हमें एक राइट एंगल लग रहा है, 90 का एंगल लग रहा है। ठीक है, अब सपोज करिए मैंने यहां से कैसे एक एंगल लेके गया। ठीक है बेटा, ये एंगल लिया, क्या आपको लगता है ये एंगल 120 डिग्री हो सकता है? मोटे मोटे तौर पर समझने की कोशिश करते हैं, ये 120 हो सकता है, जबकि टोटली तो आपका 90 था, और उसमें से भी इसमें काफी बीच में से नीचे से लिया गया है, कम होना चाहिए 90 से, तो ये आपका 20 तो हो सकता है लेकिन 120 नहीं हो सकता। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यदि आप लोग देखिएगा इस तरीके से अगर हम चलते तो क्लॉकवाइज होता है ना बेटा, क्लॉक आप कैसे चलती है देखा ना आप लोगों ने, क्लॉक देखा होगा, यहाँ पर 12 बजते हैं, फिर 3, 6, 9, तो घड़ी की स्विंग ऐसे चलती है, दिस इज द क्लॉकवाइज, तो ये आपका क्लॉकवाइज है। यहाँ पर हम लोग चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, वो बात की बात है, मैं ज्यादा आपको इसमें उलझाना नहीं चाहता हूँ। देखिए आपको ना यहाँ से मतलब सपोज करिए मैं यहाँ पे कोई भी एंगल लेता हूँ, यहाँ से कोई भी एंगल लेता हूँ, तो आपको क्या लगता है इन दो लाइनों के बीच में जो भी एंगल आप बनाएंगे वो हमेशा 90 से कम का होगा, और 90 से कम की वैल्यू का मतलब होगा साइन इस तरीके से लिखेंगे, 90 माइनस कोई भी थीटा लिखेंगे, एम राइट? यहां पर कभी भी 90 प्लस नहीं हो सकता, यहां पर कभी भी 90 प्लस नहीं होगा, क्योंकि अगर 90 प्लस हो गया तो ये 90 तक इसकी मेजरमेंट है, यहां तक तो 90 प्लस आपका इसमें पहुंच जाएगा, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा। मोटे मोटे तौर पर आप देखेंगे यहां पर 90 लिखा होता है, यहां पर आप 180, यहां पे 240, यहां पे 360 पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये 270 तक के एंगल आते हैं, यहां से अगर आप चलेंगे 270 कवर करेगा, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। आप कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हमें स्टडी करने होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, आपको वही दिमाग में रखना है कि पहले क्वाड्रेंट में जो है सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक है बेटा, सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब चाहे आप साइन की बात कर ले, चाहे कुछ भी आप बात करेंगे, देखिएगा मैं आप लिख देता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम अच्छे तरीके से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, अगर आपका पहला क्वाड्रेंट है तो उसमें आप लोग साइन 90 माइनस थीटा ले लें, या कोस 90 माइनस थीटा ले लें, या फिर टेन 90 माइनस थीटा ले लें, या फिर कोट 90 माइनस थीटा ले लें, या फिर सेक 90 माइनस थीटा ले लें, और लास्ट में होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, पहले ऑप्शन में हम लोगों का जो फर्ज है, मतलब हमारा जो मकसद है वो ये कि आपके फॉर्मूले आने चाहिए। जब हम इसकी मिजलेन सक्सेस करेंगे चैप्टर 3 की, तो वहां पर आपको बताएंगे कि क्या रीजन क्या होता है कि आप लोग साइन को हमेशा यहाँ पे लिखेंगे कोस थीटा, और कोस को लिखेंगे हमेशा साइन थीटा, ये रीजन क्या है ये जानने के लिए आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज का वेट करना होगा। ठीक है बेटा, तो ये इसमें इंटरचेंज हो जाता है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका कोट थीटा, तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, और ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका बेटा माइनस नहीं होगा, जैसा कि आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। आप देखिएगा, देखो थीटा क्या, कोई भी एक वैल्यू मान लेते हैं, सपोज करो हमने एक वैल्यू ले ली 30, तो आप देखिए साइन 90 माइनस 30 अगर आप सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन 60 पड़ेगा। अब आप देख लो साइन 60 यहां से कहां पड़ेगा, इधर ही तो पड़ेगा ना, इधर तो नहीं पड़ेगा ना, तो ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आते हैं उसके लिए हम लोग इस वाले लिस्ट को फॉलो करेंगे, ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना जब भी 90 तक आप बात करते हैं, 90 प्लस या माइनस, तो साइन हमेशा कोस में चेंज होता है, कोस हमेशा साइन में चेंज होता है।
लेकिन जब हम बात करते हैं पूरा 180 की या 360 की, तो फिर बेटा वहां पर क्या होता है, साइन का साइन रहता है, कोस का कोस रहता है। जैसे मैंने आपसे बताया, ये जानने के लिए आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज का वेट करना होगा, वहां पर आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए इसे आप नोट करिएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट को दो प्रकार से लिखते हैं। देखिए, एक तो यहां पर अगर कोई एंगल बनेगा तो एक तो वो एंगल बन सकता है 90 प्लस, या फिर एक तरीका हो सकता है 180 माइनस, क्योंकि 180 से अगर आप 30 घटाते हो 150, देखिए 90 प्लस 60 करोगे तब भी आपका 150 आ जाएगा, 180 माइनस 60 तो 30 कर देंगे तब भी आपका 150 आ जाएगा। कोशिश करिए समझने की। तो यहां पर आप 90 प्लस भी कर सकते हैं और 180 माइनस भी कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूले चेक करने के लिए आप यहीं से सेकंड क्वाड्रेंट डाल लेंगे। अगर यहां पर प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको याद होगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और क्या होता है बेटा, प्लस का बता दीजिए मुझे प्लीज। एक साइन थीटा और एक कोसेक थीटा, वेरी गुड, ये हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहां पर साइन, यहां पर ये नहीं देखेंगे, यहां पे साइन भी देखेंगे, ये तो वैल्यू निकल के आ गई है, ये है वैल्यू इसमें है। तो यहां पर साइन की वैल्यू प्लस की रहेगी और कोसेक की वैल्यू भी प्लस की रहेगी, ये दो वैल्यूज प्लस की रहेंगी। ठीक है बेटा, ये फिर से आप सुन लीजिएगा, साइन और कोसेक प्लस का होता है तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, वो डजंट मैटर, ठीक है, प्लस की आएगी। लेकिन अब ये एक में क्या आया है, वो भी प्लस का, बाकी सब क्या होंगे, माइनस के। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, जल्दी से नोट करिएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में अभी 180 माइनस भी से कर सकते हैं हम लोग। तो यहां पर आप लोग बेटा 180 माइनस कर लीजिएगा, 180 माइनस, 180 माइनस। ये फॉर्मूलों के बिना आप जो है ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसलिए आप इनकी लगातार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, 180 माइनस। ठीक है बेटा, अब 180 माइनस में देखिएगा, फिर से वो सेकंड क्वाड्रेंट पड़ा, यहां पर फिर से साइन कोसेक प्लस के होते हैं, लेकिन विशेष ध्यान रखना है कि इस बार ये चेंज नहीं होंगे, मतलब इस बार आप साइन का साइन, अब ये केवल 90 तक ऐसा होता है। और मैं बार बार बोल रहा हूं ये समझने के लिए आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज का वेट करना होगा, जब मिसलेनियस करेंगे तब आपको समझा देंगे ये कैसे होता है, क्योंकि इसमें बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं साइन का साइन, तो ये साइन थीटा ही रहेगा, ये कोस थीटा रहेगा, ये टैन थीटा रहेगा, ये कोट थीटा रहेगा, ये सेक थीटा ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब इसके आगे आप देखिएगा, हमने कहा साइन कोसेक प्लस के हैं, ये दोनों वैल्यूज प्लस की, बाकी सब क्या होंगे बेटा, माइनस के होंगे, नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं 180 प्लस में, तो 180 प्लस जब होता है तो वो यहां पर 180 तो यहां तक है, अब हल्का सा प्लस हो जाएगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। तो 180 प्लस जो है थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू होता है, और ये दिखाता है टैन थीटा और कॉट थीटा को, और यहां पर ये दोनों क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव, बाकी जो फोर बचेंगे वो सब रहेंगे माइनस। ठीक है बेटा, तो यहां पर अगर हम प्लस कर देते हैं तो ये ध्यान रखना है, ये जो दो चीजें माइनस की थी अब ये हो जाएंगी यहाँ पे प्लस की, और ये जो सब यहाँ पे दिख रहे हैं ये सब माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, बस इतने से हम प्लस करते हैं। अगर हम थोड़ा और आगे चले जाते हैं 270 प्लस पे पहुंच जाते हैं, उसके लिए फिर आपको अलग से क्लास देनी होगी, वो समझना पड़ेगा। ठीक है, वैसे निश्चित आपको पता ही है अगर 270 मतलब आपका आ रहा है 270 प्लस आ रहा है वैल्यू, तो फिर 270 प्लस में आप जो है यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने देखा होगा कोस और क्या बेटा सेक प्लस का होगा, वेरी गुड, ये दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो उसी तरीके से आप लोग जो है इसको भी मैच आउट कर लेंगे। अब बात करते हैं अगर पूरा 360 प्लस माइनस होता तो क्या करते हैं। यहां पर अगर देखो 360 प्लस है, आप कान खोल के सुन लीजिएगा, अब ये जो चीजें हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझना है आपको। 270 वाला कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे वो तभी एंट्रेंस समझा देंगे। 360 यहां पर भी आ गया आपका 360। ठीक है बेटा, 360 अगर प्लस है तो ध्यान रखना कोई वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी, वो सेम के सेम रहेंगे, क्योंकि 360 प्लस है ना बेटा, तो 360 पूरा एंगल घूम गया है, अब वो कुछ भी प्लस तो वो इसी में पड़ाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसलिए सारी की सारी क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब वो सुनिएगा, अगर ये 360 माइनस है, अगर सपोज करो ये 360 माइनस है, आप सुन लीजिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट लिखा था आपने उसमें, तो यहां पर आप चेक करते रहना। ठीक है बेटा, अब मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं बस, केवल आपके लिए फॉर्मूले ही लिखेंगे आपके लिए,
देखिएगा फॉर्मूले पे, अगर 360 माइनस होता है तो आप दिमाग लगाइए 360 माइनस, तो फिर वो यहीं पा जाएगा इस वाले एरिया में आएगा, तो फिर कोस ऑफसेट प्लस का होगा, बाकी सब माइनस के होंगे। ये छोटी छोटी बिंदा तक हो, ये 270 पे भी काम करेगा आपका, ठीक है बेटा। 270 प्लस 360 माइनस, समय थोड़ा कम है इसलिए बेटा आपको थोड़ा सा जल्दी समझाना पड़ रहा है। तो यहां पर आप लोग 270 अगर प्लस करेंगे तब भी ये फॉर्मूला लागू करेंगे, ये सब प्लस करेंगे, बाकी बेटा सब माइनस के हो जाते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर यहां पर ये वैल्यू जो होगी दो प्रकार से दिखाई जाएंगी, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ठीक है, इन दो वैल्यू को आप ध्यान रखें, बाकी आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करो, आपको बड़े ही आराम से सामने आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन की बात भी करेंगे और सुनिएगा भी, एक चीज और नोट कर लेना, अगर ये 360 ना हो बस केवल माइनस थीटा हो तब भी आपका सेम यही फॉर्मूला लागू होगा। ठीक है बेटा, अगर माइनस थीटा भी बचता है ना तो फिर भी आप लोगों को यही ध्यान रखना है, सब माइनस के होंगे, बस केवल कोस ऑफ सेक प्लस का होगा। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले थे जो आपको काम आने वाले हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। चलो एक फॉर्मूला और इसमें भी आप नोट कर लीजिएगा, साथ के साथ जब याद आया तो ये भी याद करिए। देखो इसमें क्या होगा, अच्छे तरीके से समझना होगा इन फॉर्मूलों को, कुछ नहीं करना, बार बार इन्हें यूज करिएगा या आपको अपने आप दिमाग में रट जाएंगे। यदि आप लोग रट्टा मारेंगे तो फिर वही पाली जाता है, रट्टा कुछ समय तक रहेगा फिर आपको सब पता चलेगा। तो यहां पर आप देखिए n इंटू 360 अगर प्लस थीटा होगा तो वैल्यू क्या होगा, देखिए क्या है ना कि अब वैल्यू कभी भी आप ये देखना, ये नहीं कि आपको हमेशा बस केवल 180 या साइन 240 ही मिलेगा। ठीक है बेटा, कभी कभी आपको ये ऐसे मिल जाता है 1824। तो यहां पर निकालने के लिए क्या करना, इनकी अलग अलग वैल्यू तो नहीं होती है, आपको ये ध्यान रखना है, अगर जैसे 1/2 है ये साइन 30 की वैल्यू होती है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है बेटा, जरूरी नहीं है, ये 390 की वैल्यू भी हो सकती है, ये काफी बड़ी वैल्यू हो सकती है। देखिएगा 360 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3600 और यहां पर 30 जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3630 की वैल्यू भी बेटा 1/2 होगी। ये मैं समझाऊंगा, तो मैं कह रहा था कि अभी तक आपने 10th क्लास में इतना पढ़ा होगा कि 1/2 जो वैल्यू होती है वो साइन 30 की होती है, ऐसा नहीं है। साइन 30 में आप जितने राउंड लेते रहेंगे, देखना 360 फिर ऐड करो, फिर ऐड करो, फिर ऐड करो, स्टार्ट के बीच हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज में आपको n * थीटा लगाते हैं तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा आपका, ये आपका साइन थीटा हो जाएगा। हां, अगर बेटा यहां पर माइनस होगा तो फिर माइनस हो जाएगा, कोस वाले कंडीशन में ध्यान रखना है। n * 360, n का मतलब यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं, इज इक्वल टू बेटा cos थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब आप इसको इस तरीके से बना लेंगे, n * 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा, और ये भी बेटा n * 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा सेम, और फिर ये भी आप सेम उतार लीजिएगा और ये भी आप सेम कर देना। ठीक है बेटा, ये सेक ही रहेगा, सारे प्लस के रहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं माइनस का, तो फिर ये सारे कैसे जाएंगे बेटा माइनस के, तो फिर माइनस वाला लागू हो जाएगा, प्लस माइनस थीटा जहां तक ना आप लोग, तो ये सारे कैसे जाएंगे आपके माइनस, ये प्लस का रहेगा ये माइनस का, इसको आप पूरा कर देना। ठीक है सर, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा सा जल्द जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, बाकी जब ये चर्चा चलती रहेगी तो आपको हम समय समय पर समझाते रहेंगे क्यों ये प्लस हो रहे हैं क्यों माइनस हो रहे हैं। बेसिक्स जितना अच्छा आप रखेंगे अपना उतना अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। चलिए अभी पहले हम लोग जो है नंबर वन में वैल्यू निकालते हैं साइन 150 की। ठीक है, कॉपी आप अपने पास ही रखना, जो नोट्स आ रहे हैं भी आपने, ठीक है, साइन 150 देखिएगा। अब साइन 150 को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं 90 प्लस 60। ठीक है बेटा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं चाहूं तो नंबर टू करते हैं, साइन 150 को मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 30। संचारण आप लोगों को देखो, दोनों ही देखो, आप इन दोनों बैठ करो तब भी आपका 150 आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए तब भी 150 आ जाएगा। इसका फॉर्मूला याद करना है, जब साइन 90 होता है तो वो कोस में चेंज होता है, मैं बता रहा हूं 90 प्लस हो माइनस हो साइन का कोस, कोस का साइन बन जाएगा, चेंज हो जाते हैं। तो यहां पर ये कोस तो आपको लगाना ही पड़ेगा, प्लस में होता है 60, वैल्यू आ जाएगी इसकी, वैल्यू होती है 1/2।
माइनस को यहां पर देखिएगा साइन, अभी देखो सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, इसकी वैल्यू यहां पर प्लस की आएगी, तो ये साइन 30 है, कोस है उसका मतलब नहीं है, क्योंकि साइन अब सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ये वाली वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है आपकी कहां पड़ेगी, आप कुछ दिमाग लगाइएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, बिल्कुल दिमाग लगाओ, ये 90 तक है, फिर ये 180 तक, यानी कि 150 यहां आसपास में भी पड़ेगा, तो 150 जब यहां पर पड़ेगा तो यहां पर साइन हमेशा प्लस का होता है, कोसेक प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के होते हैं, तो ये वैल्यू भी दी यहां के 1/2, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन भी है और ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अब छोटा सा क्वेश्चन आपसे, मैंने आपको बताया देखो पाई यहां पर रिप्रेजेंट करेगा 180 डिग्री, 2 पाई रिप्रेजेंट करेगा 360 डिग्री, थोड़ा समझ लीजिएगा, 2 × 2 पाई अगर होगा तो ये 4 पाई को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि कुल मिलाकर हो जाएगा आपका 720। समझ कोशिश करिएगा प्लीज, ठीक है, कोशिश करेंगे समझने की, और इसी तरीके से मैं आपके 3 × 2 भी कर सकता हूं, 3 × 2 पाई, ठीक है बेटा, तो 36 यानी कि 1080 इस तरीके से, ऐसे आप 4, 5, 6 कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2 पाई का मतलब 360 रहेगा, अभी बताया था मैंने आपको, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये अगर 1500 होता तो क्या करते, ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं इसे 765 कर लेते हैं, पहले थोड़ा सिंपल क्वेश्चन रखते हैं 765, ठीक है बेटा, ये साइन में है और इसको कोस में कर लेते हैं, कोस 765, ठीक है बेटा, कोस 765, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, साइन 7765 को कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको आप ऐसा तो नहीं करेंगे 90 प्लस कोई एंगल जोड़ने के इतना बड़ा था, ऐसा तो यूज नहीं होगा, तो हमें क्या है कि हमारे पास देखो ये भी समझ रहा है, हमारे पास 180 प्लस भी है, तो 180 भी बहुत दूर जा रहा है, काफी आगे जा रहा है, 360 भी बहुत आगे जा रहा है, ये तो यहां से आसपास में पड़ेगा, देखो इसके आसपास पड़ रहा है ना बेटा, इसको देखिएगा आप कैसे यूज करेंगे, इसको हम लोग साइन का साइन दे देंगे, अभी सिंपल 2 × लगा के देते हैं, 2 × 360 टोटल हो जाएगा 720 प्लस हमें क्या करना 45। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना आपका मैच करेगा साइन, किससे मैच करेगा बेटा, n into 360, कॉपी खोल लीजिए, देखिएगा हमने कभी फॉर्मूला लिखा था मैंने, इक्वल टू क्या लिखा था, साइन थीटा, यानी कि ये वाला आ जाएगा, अगर इस प्रकार का कोई फंक्शन बनता है 360 × n, अब ये 11th क्लास में यहां पे आप लोगों को 2 पाई मिल सकता है, क्योंकि जब वैल्यू पाई में मिलेगी यहां पे तो हम उसे पाई में सॉल्व करेंगे, देखते रहिएगा, तो यहां पर 2 × 2 इतना हो गया है, तो अब ये हो जाएगा आपका 45, कोस नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना है अगर साइन 90 होता है तभी कोस होता है, प्लस हो या 90 आना चाहिए, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो 180 में है या 360 में है तो फिर वैल्यू साइन की साइन ही रहने वाली है, तो यहां पर ये साइन ही रहेगा और ये लगा होगा 1/2, उम्मीद है समझ आ गया, कोस में देखिएगा यहां पर कोस ही रहेगा, यहां पर कोस रहेगा बेटा, एन की वैल्यू वही यहां पर 360 प्लस 45, कोस तो बेटा अगर 360 आ गया ना हमेशा प्लस का ही होता है, ध्यान रखना है, कॉमन क्वेश्चन है काफी, आप कैसे समझ जाएंगे आराम से, तो ये आपका कोस 45 हो जाएगा एंड वैल्यू विल बी द सेम 1/√2, ठीक है समझा आप लोगों को, ये जरूरी नहीं है कि आप इसमें आप 10 निकालेंगे तो 10 की वैल्यू भी आएगी, ये बस केवल कोइंसिडेंटली ऐसा हो सकता है, अलग अलग वैल्यू का, अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ बेटा तो 10 कर लीजिएगा किस तरीके से करेंगे, यही सेम लिखा जाएगा, लेकिन बस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बस आपका 10 आ जाएगा, 45 के लिए कितनी होती है आंसर आ गया आपका, तो ये कुछ बड़ा खेल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर अगर आपने सपोज करिएगा हम माइनस कर लेते हैं इस बार 10 को माइनस में करके या कोट कर लेते हैं, कोट माइनस 765 अभी इसी से कर लेते हैं, क्योंकि फिर आप कुछ भी ऐड करते रहिएगा, ठीक है, आप 3, 4, 5, 7 जो ऐड करना वो करिएगा, नो मैटर, तरीका समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो समझ में जरूर आ जाएगा, तो ये माइनस हम आपको देख रहा है, पहले तो ये फॉर्मूला जो होगा इसमें कि कोट माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कोट थीटा होता है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, चलिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसमें सबसे पहले तो ये माइनस साइन भाग ले लेंगे, माइनस कोट आ जाएगा, अब उसके बाद आप क्या करेंगे इसको सेम लिख लेंगे, ठीक है बेटा, ये माइनस यहाँ रहेगा, ये कोट इसको फिर बेटा वही 2 × 360 प्लस 45, यहाँ पर 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है, अब ये इसके ऊपर डिपेंड है यहाँ पे क्या वैल्यू है, अभी दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ी देर कर बताऊँ कैसे करेंगे, माइनस सेम रहेगा क्योंकि प्लस में रहता है सेम, कोट 45 एंड योर आंसर विल बी माइनस 1, समझ में आ रहा है आप लोगों को, नोट करिए,
अभी आप इसमें देखिएगा, अगर हम इसी को चेंज कर देते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर आप चेक कर लेना, ठीक है बेटा, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन है, जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिएगा, आप क्वेश्चन नंबर सेवन हम लोग देख रहे हैं, सेवन पार्ट देखिए इसका क्या है, ये एक पार्ट देखिए क्या है। आप इसी वैल्यू को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। देखो जो हमारे टेक्निकल वो इससे ये रहेगा, 180 में से कुछ माइनस कर लो या प्लस कर लो, प्लस 60 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 60 ऐड करेंगे तो उसमें 114 हो जाएगा ना बेटा, प्रोसीजर से ये रहेगी, ठीक है। कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, तो यहाँ पर टू तो नहीं आएगा क्योंकि तो 720 हुआ तो काफी आगे है, तो इसको हम चेंज करेंगे, थ्री करेंगे, थ्री करने से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 यानी कि 1080। अब 1080 में क्या जोड़ेंगे 60, तो वो हो जाएगा आपका 1140, ठीक है बेटा। अब फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, जहां 1045 था, अब ये से मैटर नहीं करता ये कितना है, अगर 360 के साथ 10 आ रहा है ना तो फिर आपको थीटा लिखना बस, और कुछ नहीं पड़ता। यहां पर माइनस होगा तो यहां भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1060, वैल्यू आ जाएगी रूट थ्री, 1060 की रूट थ्री होती है। और अगर ये आपका सपोज करो माइनस में होता है इसी प्रकार से, तो बेटा आंसर कभी सेम नहीं आएगा, पहले माइनस हो जाएगा यहां पर 1140, यहां पर 3 आएगा, यहां पर 60, कोट प्लस में है 60 तो वो कोट ही रहता है, कोट 60 की वैल्यू देखनी पड़ेगी, 1/√3 बता रहे हैं आप लोग, तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, ठीक है, आप नोट कर लीजिए करें इनको। क्वेश्चन नंबर 9 अब आप नोट करिएगा, ये आपको खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या है, अगर हम लोग साइन 745 कर रहे हैं बेटा, तो अगर -765 कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ये आप चेक करना। यहां पर हम लोग चाहे तो 780 भी कर सकते हैं, ठीक है, 780 नोट कर लीजिए इसको। नंबर 10 भी आपको खुद करना है, कुछ सवाल आप प्रैक्टिस के लिए पहले दे देते हैं। नंबर 10 में हो जाएगा आपका कोसेक, आप सपोज करिए माइनस है यहां पर, तो जब माइनस आएगा तो बाहर आ जाएगा, और ये हम लोग क्या करते हैं इसमें 1125, ठीक है, इसको भी आप सोल्व करके देखेंगे। 11 में सिंपल आप ऐसा करिएगा, कोस 1125 को सोल्व करिएगा। नंबर में आप लोग सोल्व करेंगे 10240, सोल्व करें 180 प्लस करके हो जाएगा, कोट 660 का लेना है यहाँ पे, 660 सोल्व करके देखें, 14 में हो जाएगा आपका कोट ही रहेगा -660 एंड 15 भी आप नोट कर लीजिएगा। ये आपको हम देते हैं साइन में, साइन आपको दिया हुआ है, ठीक है, 240 टोटल हो जाएगा, इसको आप 1500 प्लस में भी करके देखेंगे और माइनस में भी करके देखेंगे, ठीक है, इन दो क्वेश्चनों को आप सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 16 तक हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग टाइप के साथ देखते हैं, देखिए क्या होगा हमारा अलग टाइप इसमें। आप सपोज करिएगा आपको कुछ पाई में वैल्यूज देने, आप सिखाते हैं कि पाई में क्या होता है। देखिए आप एक छोटी सी नॉलेज शेयर कर लेते हैं, पहले आपके पास 2π है, 360 होता है बेटा, या फिर आपको ये फॉर्मूला भी पता है, 360 प्लस थीटा इक्वल टू आपका साइन थीटा होता है। 360 को अगर हम चाहते हैं तो 2π लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इनटू में क्या कर सकते हैं आपके 1 2 3 मतलब कोई भी एन ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका सिंपल साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। पहले सवाल समझते हैं, जब इस समय आपको आएगा करना क्या है। 17 तक हो चुका है, 16 तक हो गया है, 16 17, चलो जो भी है, जो भी नंबर आप चेक कर लेना है, ये आपका क्वेश्चन देखो, चलो 17 ही मान लेता हूं, डाउट है मुझे। यहां पर आपको मिला हुआ है सवाल, सपोज करो ये है साइन, इसको उसने क्या है कि हो जाएगा,
आप इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एक ये मेथड भी है सोल्व करने का, कैसे होगा ये देखिएगा, साइन रहेगा आप यहाँ पे ना अपने पास से 2 पाई मान लीजिएगा, ये 2 पाई हमने ले लिया, 360 है, पाई बाई 3 आपको अपने पास से यहाँ ले लेना, ठीक है। इसको आप हटा देना, ये जो भी है पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 लिखो, पाई अपॉन 4 है तो पाई अपॉन 4 लिखो, पाई बाई 5 है तो पाई बाई 5 लिखो, नो मैटर। इसको सोल्व करते हैं, 3 × 2 = 6 और एक साथ हमें लाना है क्या, तो अब हम यहाँ पे जो है 1 पाई लगा सकते हैं, मतलब 1 लिख सकते हैं, और 1 से तो सिंपल ही फर्क पड़ेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अभी हो गया 2 × 2 = 4, ध्यान सुनिएगा, 2 × 2 = 4, ठीक है। 4 की आप मल्टीप्लाई करेंगे जब 3 से तो 12 हो जाएगा, और 1 कितना हो गया 13, तो 11 पाई तो नहीं आया लेकिन 13 पाई आया। तो पहले हम ऐसा करते हैं 13 पाई वाला सवाल सॉल्व करते हैं। आपके पास जो है साइन सेम है, 2 × 2 π + π/3, फिर समझ लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है, फिलहाल हमने प्लस वाला ही कर दिया है, आपको 2 पाई अपने पास से रखना है, ठीक है। प्लस पाई बाई 3 जो भी यहाँ लिखा वो आप सेम कर लेंगे, ठीक है। चलिए, हो सकता है आपको समझ ना आया हो, 19 पाई वाला देख लीजिए, 18 पे आप कर रहे हैं, साइन कोस कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर है 19 पाई अपॉन में सपोज करो 4 कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, या भी चलो 3 से ही कर लेते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, साइन लिखना है, अपने पास से 2 पाई प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है पाई अपॉन 3। यहाँ पर आप देखिएगा कौन सा नंबर हमें 19 बनाने में हेल्प करेगा, 2 × 6 = 7 अभी हमारे पास है, हमने अगर यहाँ पे सपोज करो 4 मान लिया, 4 × 2 = कितना होता है 8, 8 × 3 = कितना हो जाएगा 24, काफी ज्यादा हो जाएगा 3 मान लेते हैं, 3 से क्या होगा ये 6 हो जाएगा बेटा, देखिए 3 × 2 = 6 पाई हमारे पास हो जाएगा, और उसको अभी हमें क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 3 = कितना होता है 18, 190 आ गया, नहीं आ गया। तो इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, ये बड़ा इजी होता है। अब हमने आपसे क्या कहा, अगर 2 पाई है उसके साथ इनटू में 3 4 नो बेटा, उसे आप हटा सकते हैं, वैल्यू आ जाएगी साइन पाई अपॉन 3, और आपका आंसर यहां पर आप चेंज कर सकते हैं, वैल्यू आएगी क्या होती बेटा वैल्यू, यहां पर आप साइन में देखिएगा ये साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 को हम डायरेक्ट √3/2 लिख सकते हैं, समझ में आया। अगर सपोज करिए यहां पर माइनस लगा होता, ध्यान सुन लीजिएगा, अब ये सवाल नंबर 19 है, अगर यहां पर माइनस लगा होता तो फिर आप क्या करेंगे, पहले आपको इसमें से माइनस साइन बाहर लेना होगा, ठीक है। प्रोसीजर यही रहेगा, पहले एक स्टेप बराबर लगा लीजिएगा, माइनस साइन आपका बाहर आ जाएगा, फिर लिखा जाएगा साइन 13 पाई अपॉन में 3, अब प्रोसीजर आपकी सेम रहेगी, और ये माइनस साइन आपका चलता रहेगा, और माइनस √3/2 आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये है साइन 3 2π × π/3। अब हम इसमें ये देखेगा साइन यहां पर मैटर नहीं करता है, यहां पर क्या है n into क्या है 2π है, नो मैटर, हटा दीजिएगा पाई अपॉन 3 बचेगा, साइन पाई अपॉन 3 अभी हमने कहा ये 60 की वैल्यू होती है जो कि √3/2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे tan मान सकते हैं, cot मान सकते हैं, कोई भी वैल्यू अपने पास से अज्यूम कर सकते हैं। माइनस वाला मैंने आपको इस तरीके से करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर 20 अब आप चेक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आप लोगों को दिया हुआ है, सपोज करो tan है यहाँ पे हमारे पास, और ये है आपका 17π/2। ऐसा भी देखो हो सकता है अपॉन में 3 4 5, इस बार मैं सारे आपको करके दिखा देता हूँ। पहले अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, ठीक है, वो अभी नहीं है फिलहाल। तो आप tan लिख देंगे, अपने पास से क्या लगा लेना है पहले 2π + π/2 इतना कर लेना है, मींस ये आप भूल जाइएगा, ठीक है। आपको जब इस तरीके से कोई क्वेश्चन मिला 19π/3/4, तो आपको अपने पास से पहले 2π लगा लेना है, प्लस माइनस यहाँ कुछ भी आएगा π/2 लगा लेना है, ठीक है। अब हमें क्या लाना था, क्या था यहाँ पे 19 ही मान लेते हैं, चलो ठीक है 17 भी आ सकता है। अब हमने इसमें मल्टीप्लाई करा 2 × 4 और 1 × 5, तो ये वाली जो कंडीशन है ये कंडीशन लागू होगी केवल 5π/2 के लिए, ठीक है, हमें 19 लाना है। तो हमें यहाँ क्या मानना होगा, देखिए 4 मान लेते हैं, ठीक है 5 भी मान सकते हैं, समझ लीजिएगा पहले 4 × 2 = कितना हो जाएगा 8, ठीक है, और 8 यहाँ पर है तो 8 × 2 = हो जाएगा 16, 1π हमारे पास है तो टोटल 17 हुआ, 19 नहीं आया, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे 5 मानते हैं, ठीक है, 5 मानने से क्या होगा, कुल मिला के हो जाएगा 5 × 10 प्लस पाई अपॉन 2, सोल्व करेंगे 20 21π/2 आएगा,
यानी कि 90 नहीं आ रहा, प्लस करने पे 90 नहीं आ रहा है, लेकिन माइनस करने पे आ रहा है। क्या करने पा रहा है बेटा? माइनस करने पे आ जाएगा। तो माइनस करने पे क्या होगा, एक कम हो जाएगा इसमें से, तो क्या बचेगा 19 पाई। समझ में आप लोगों को उम्मीद है ये समझ आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, टेन सेम रखना है, ठीक है। अब ये 360 वाला हिसाब में आएगा, माइनस है तो फिर माइनस ही रहेगा, तो यहाँ भी क्या जाएगा आपका बाहर माइनस आ जाएगा और पाई आपको 2 लिखा जाएगा। ये 1090 होता है और 1090 क्या होता है, इन्फिनिटी, और आपकी वैल्यू क्या जाएगी आपको इन्फिनिटी आ जाएगी। समझ में आया आप लोगों को। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप सपोज करते हैं यहाँ पे ना 21 जो क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ माइनस भी लगा देते हैं और यहाँ पर सपोज करो इस बार आपके हिसाब से 5 लगा देते हैं, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार से इस तरीके से आप मेथड समझ लीजिएगा। ये आएगा 100% आएगा, आप ये 5 है लेकिन इस बार, ठीक है। तो अब आप अपना मोटा मोटा दिमाग लगा लीजिए, पहले प्लस लेके चलते हैं, 5 2 10 5 1 ऐड करेंगे 11 5 आ जाएगा। हमें क्या लाना बेटा, हमें लाना है बेटा 19, ठीक है। सोल्व करते हैं, यहाँ पे क्या मान लिया हमने, सपोज करो 2 मान लिया, 5 2 10 के मतलब ये 4 हो गया। अब सपोज के लिए 4 है, अब हमने 5 से मल्टीप्लाई करा है तो 20 हो जाएगा। अब 20 पाई में अब आप 1 पाई अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 21। तो यहाँ पर अगर 21 होता है तो प्लस में आंसर आएगा, और अगर ये माइनस से मैटर नहीं करता है, ये 19 है तो माइनस होकर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस, इसको आप सोल्व करके देखिएगा तो यही आएगा आपके पास, इसे हटा दो, 19 पाई/5 आ गया, ठीक है। ये तो आपका माइनस बाहर आ चुका है, आपको जब हमने फॉर्मूले बताए थे शुरुआत में, तो tan माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा, ठीक है। ये आपने 10th क्लास में भी ऐसा पढ़ा होगा। चलिए अब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, ये माइनस हमारा क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये प्रोसेस चलेगा, π/5 आएगा। अब ध्यान से लीजिएगा π/5, अब आप देखिएगा क्या ये किसी की वैल्यू होती है, नहीं होती ना बेटा। 180 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से, वो बड़ा मैटर हो जाएगा, निकालने को निकाल सकते हैं, 180/5 तो 36, तो वो वैल्यू हमें जनरली नहीं पता होता, तो हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है बेटा। चलिए जब हम मिसलिंस करेंगे तो ये भी चीजें बताएंगे कि sin 36 क्या होता है, cos 36 क्या होता है। चलिए इस तरीके से आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू आप यहीं पे ड्रॉप आउट करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अगर यहाँ पे सपोज करो 6 होता है, ठीक है बेटा, तो फिर कैसे करते हैं, ठीक है, 6 वाले को कैसे करा जाता है, सोल्व करके देखते हैं। माइनस साइन लगा है, लगा रहने दीजिएगा, ठीक है, सुन लीजिए फिर से, मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूं। प्लस है तो आप डायरेक्ट सोल्व करिए, माइनस है तो पहले माइनस को क्या लेना होता है, बाहर लेना होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस बाहर आएगा, 10 अपने पास से 2π, यहाँ पर प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, देखना क्या आएगा, π/6, ये तो यहीं से लेना है π/6, ठीक है। 6 2 कितना हो गया 12 करो 13 तो आ सकता है, लेकिन 19 नहीं आना, तो हमने यहाँ पर अपने पास से क्या लगाया 2। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये हो जाएगा 2 2 4 और 24, 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बनेगा 23। तो 19 वाला शायद हमारे फॉर्मूले में नहीं आएगा, तो हमने यहाँ पे 23 कर लिया, ठीक है। या तो मैं 25 कर लूँ तब भी मेरा हो रहा है, ठीक है बेटा, या फिर मैं यहाँ पे 23 कर लूँ। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको छोटी छोटी चीजों का, वैसे तो बुक में आपको सवाल बने बनाए मिलेंगे, ठीक है, तो वहां सोल्व ही करना है आपको। तो ये यहाँ पर प्लस करने से आ जाएगा, प्लस करके क्यों आएगा, क्योंकि ये 4π है, 6 से मल्टीप्लाई और 24, 100 होगा 25, तो कुल मिला के माइनस 10 आपका ये सोल्व करेंगे π/6, और π/6 की वैल्यू आपको पता होगा 30 होती है, 10/30 वैल्यू होती है 1/√3, ये आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन है आप लोग सारे सोल्व कर सकते हैं इन्हीं सवालों के माध्यम से, ठीक है। क्वेश्चन 22 23 ये आता है आपको नीचे हो गए हैं, पर आप इसे इस तरीके से सोल्व करके देखें। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता कौन सा है, हमने सपोज करो यहां साइन ले लिया है, माइनस इसे ले लिया है 11π अपॉन 21π/3, इसको हम 25 भी कर सकते हैं, ये चेक करेंगे मतलब कैसे आ रहा है। तो अगर ये प्लस है तो किस तरीके से होगा वो भी देख लीजिएगा, पहले सिंपल साइन आएगा अपने पास से 2π आएगा, यहाँ पे इनटू में जो भी मल्टीप्लाई करनी होगी करेंगे, और प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, π/3 रहेगा, ठीक है, 25 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या माना जाए, आई थिंक यहाँ पे हम मान लेते हैं 3, क्योंकि 3 2 कितना हो जाएगा 6, देखो समझ लीजिए पहले 3 2 6 18 1 19 1, जबकि हमें 25 लाना है, 4 मान लेते हैं, चलो
क्या हो जाएगा बेटा, 8, 8 3 24 और 1 कितना हो गया 25। सोल्व करना आता होगा ना आपको, ये 8 पाई है प्लस पाई अपॉन 3 है, एलसीएम यहां पर लेंगे 3 बन जा 3, सर मारा आप लोगों को मल्टीप्लाई करिएगा 24 पाई, ये आपको आना चाहिए 11 में आप पढ़ रहे हैं, कुल मिला के 25 पाई अपॉन 3, समझ में आ रहा है ना। तो 25 अपॉन पाई 3 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, और जब ये 2 पाई होता है तो यहां पर 4 5 की वैल्यू कुछ भी हो एलिमिनेट कर देते हैं, सिंपल वैल्यू हमारी आ जाएगी sin पाई अपॉन 3। अब यहां पे sin की जगह tan कोड अपने आप से आप करके देखेंगे, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, 60 आ जाएगा फिर से रूट 3 अपॉन 2 आ जाएगा, यहां पर 6 भी हो सकता था ठीक है बेटा, 4 भी हो सकता था, वो आपको अपने आप से चेक करना होगा। अगर मान लो माइनस होता है यहाँ पे तो ये माइनस बस शुरू में आ जाता और यही वैल्यू पूरी किस्म हो जाती है आपकी माइनस की हो जाती है। विषय ध्यान देना है, अगर यहाँ पर कोस होगा तो फिर कोस जो होता है सुन लीजिएगा ध्यान से, कोस माइनस थीटा जो होता है वो हमेशा प्लस का कोस थीटा होता है, तो फिर ये वैल्यू प्लस भी रहती है, यानी कि कोस में अगर आपके पास यहाँ माइनस है तब भी वैल्यू प्लस में आएगी और अगर यहाँ माइनस है तब भी वैल्यू प्लस में ही आएगी ठीक है। अब आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, उम्मीद है कि आप इन्हें अच्छे तरीके से कर पाएंगे। टेन ये है 7 पाई अपॉन में 3 सॉल्व करना है, देखेंगे किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इसे। आगे है 10 माइनस कर देते हैं इस बार, ये है आपका 17 पाई अपॉन में 3 इसको भी सॉल्व करेंगे, और नंबर 3 है मैं एक बार चेक करके देख लूंगा ये सवाल आपकी गलती ना हो, माइनस अंदर रहना चाहिए। ये है sec, इसमें हम कर देते हैं 11 पाई अपॉन 4 सॉल्व करके देखेंगे। नंबर 4 है sin, इसमें माइनस साइन लगा देते हैं, ये है आपका सपोज करो मैं एक बार चेक कर लेता हूं ना, 2 पाई प्लस पाई अपॉन 4 यहां पर ले लेते हैं 3, ये है आपका 5 10 है 41 हो जाएगा ठीक है 41। आपको कुछ भी हो सकता है बेटा, वो अपने दिमाग से आप समझ लेना ठीक है ना, इससे कोई मैटर नहीं करता है। नंबर 5 कोट में ले लेते हैं कोट, ये है 19 पाई अपॉन में 6 ठीक है। अब आप इनको सोल्व करके देखेंगे, मैं चेक कर लेता हूं एक बार, 2 पाई प्लस पाई अपॉन में 6 होगा तो 3 यहां पर हो जाएगा आपका 6 36 37, चलो इसे हम 37 कर देते ठीक है। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को सोल्व करेंगे, उम्मीद है आपको ये वीडियो सुन आई होगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।